तो मेरी वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भोरकली वाली मोहरी और पाइप डाल के बनानी सिखाऊंगा। जिन भाइयों को नहीं आती है वो सीख सके, और जिन्होंने सीखी हुई है वीडियो को शेयर जरूर कर देना कि वो अपने गाय भैंस के लिए मोहरी बनानी सीख सके। दोस्तों, मैंने टोटल जो भोरकली मोहरी मोहरी के लिए रस्सा लिया है, जो फर्स्ट क्लास का रस्सा है, आपने जो लेना है ये फर्स्ट क्लास का रस्सा है, इससे ऊपर कोई रस्सा नहीं है। और ये 10 mm का, इसकी जो मोटाई है 10 mm है, और ये फर्स्ट क्लास का रस्सा होता है पैराशूट का। ये आपने रस्सा लेना है। ये टोटल ही मेरे पास जो है ये 5 मीटर रस्सा है, आपने 5 मीटर रस्सा लेना है। ये टोटल ही दोनों तरफ से मैंने मोड़ के डाला हुआ है। और एक बिलांद जो है आपने पैप काट लेनी है, पैप काट के और इधर से आपने, जैसे ये रस्सा मैंने जलाया हुआ है, जला के ये खुलेगा नहीं आगे से, इसमें से पैप डाली और इधर मैंने पैप डाल दिया है। और आपने क्या करना है, ये मैंने थोड़ा सा आपको जोर से दिखा देता हूँ। इसमें भोरकली भी डालनी है आपने। पहले सबसे पहले क्या करना है, आपने भोरकली डालनी है। ये भोरकली आपकी दुकान पे मिल जाएगी इजी तरीके से, बहुत ही अच्छी भोरकली है। ये भोरकली दो तरह से आती है, जो दूसरी भोरकली है वो टूटने का ज़्यादा खतरा रहता है, और ये जो होती है अच्छी भोरकली होती है। ये देख सकते हो इसमें ज्वाइंट लगा हुआ है और ये अलग अलग पार्ट है, ये बहुत अच्छी है। ये दुकान पे 70 रुपये के आसपास में मिल जाएगी आपके। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना, आपके वहाँ पे ऐसी भोरकली मिलती है नहीं मिलती है, कमेंट जरूर करना भी आपके कैसी मिलती है। और दोस्तों, ये आपने डालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जो ये चौरस वाला हिस्सा है ये नीचे आएगा, जब इसमें एक्स्ट्रा रस्सा डलेगा। और इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो दो हिस्से हैं इसके बीच में से मोरी डाल, ये भोरकली डालनी है। ये गोल वाला हिस्सा डाल के आपने ऐसे लास्ट में नीचे कर लेना है, ये देखो ये ऐसे कर लेना है, और यहाँ से बराबर कर लेना है रस्से को। और फिर आपने क्या करना है, पाइप में डालना। पाइप आपके पास जैसे जैसे छोटा कोई पाइप है तो आप सिंगल सिंगल करके, जैसे एक इसमें डाला एक इसमें, ऐसे भी कर सकते हो। मेरे पास ये 1.25 इंच का पाइप है, इंच का जो इसका होल है, इसमें डाल रहा हूँ मैं, एक से काम चलाऊंगा। और डालने का तरीका भी आप तरह तरह से कर सकते हो। जो जल्दी डालना है इसमें रस्सी बांधी और रस्सी इधर से निकाली और फटाफट डाल सकते हो। और मेरे पास अभी रस्सी वाले सिस्टम नहीं है, और मैं ऐसे करके ही आपको डाल के दिखा देता हूँ, और आप जल्दी बना सकते हो वीडियो को। और ये आपको ऐसे इसमें खींच के आगे तरफ ले जाना है। ये आप अपने एक बार देख के, आप जैसे भी आपको अच्छा तरीका लगे, आप मेरे से भी अच्छा तरीके से डाल सकते हो। ऐसे डाल के आपने ऐसे बराबर कर लेना। फिर क्या करना है, आपने जो नेक्स्ट स्टेप है गांठ लगानी है। इस पे गांठ लगाने के बाद ये रस्सा बराबर हो जाएगा आपका, आगे पीछे नहीं होगा। और जो मैं गांठ लगाने सिखाऊंगा वो आपने ध्यान से देखना है, वो जे आप उसको मिस करते हो तो आपको भोरकली बनाने में दिक्कत आ सकती है, और भोरकली वाली मोहरी। और आपने वही चीज़ में देखनी है। फिर सबसे पहले क्या करना है, आपने रस्से पर गांठ लगाई, और ये टोटल रस्सा 5 मीटर है मेरे पास, जो मैंने गांठ लगा के टोटल, ठीक है, आपने 5 मीटर लेना है जो भोरकली मोहरी बनाने के लिए। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने गांठ लगाई, फिर आपने लेफ्ट साइड का जो आपका हाथ है, लेफ्ट साइड का हाथ है, खब्बा हाथ जिसको बोलते हैं, उसमें लेना है, और ये गांठ वाला हिस्सा आगे की तरफ करके ऐसे करके नाप लेना है। नापने का तरीका भी यह होता है, जैसे मुर्रा नस्ल की भैंसें होती है उनका बड़े बड़े मुंह होते हैं, और जो छोटे पशु हैं उनके लिए छोटी बना सकते हो। जैसे मेरा आधा आता है, छोटा पशु है आपके पास, जैसे कट्टा वगैरह होता है, कट्टा और पशु छोटे होते हैं, छोटी भैंस होती है, ठीक है, बछड़ा होता है, उनके लिए आप छोटी बना सकते हो। और पूरा पशु है, जैसे गाय बड़ी होती हैं और मुर्रा नस्ल की भैंसें, उसके लिए आप इतना ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं उनके लिए इतना साइज बहुत होता है। ये ऐसे लिया, ऐसे नापा आपने। और फिर क्या करना है, आपने जो लेफ्ट साइड का हाथ है उसके अंगूठे के नीचे दबा लेना है। बस यही आपने पहले सीखना है। ये अच्छी तरीके से सीख लोगे तो आप इजी तरीके से मोहरी बना लोगे। जो गांठ वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ गिरा, और ये मैंने ऐसे करके अंगूठे के नीचे दबा लिया। बस इससे बाद कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं करना। आपने क्या करना है, जो गांठ लगानी, अब ये मैं बताता हूँ। लेफ्ट साइड का हाथ है मेरा, लेफ्ट साइड के हाथ में जो अब मैंने रस्सा निकाला था एक हाथ, वो मैंने आगे की तरफ कर दिया है। और अब क्या करना है, आपने ऐसे हथेली पे जो है इसमें से अगले वाला हिस्सा जो रस्सा है इसमें से थोड़ा सा रस्सा निकालना है आपने, कितना, जितना कि पशु के वा सके। अब इसको नापने का तरीका मैं बताता हूँ, इजी तरीका। ऐसे करके आप एक गांठ, एक बिलांद नाप सकते हो। बिलांद नाप के एक बिलांद थोड़ा ज़्यादा कर लेना है कि गांठ लग के एक बिलांद रह जाए, और ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, जो पशु निकाल ले इसको मुंह में से। इतना लिया, ये देख सकते हो ऐसे शेप बन गई अपनी, इनको बराबर कर लेना। अभी ये ऐसे शेप बन गई, एक रस्सा आगे और एक इधर, उंगली को बीच में से आया ऐसे, और एक बड़े वाला नीचे की तरफ।
अब क्या करना है, जो अंगूठे वाला हिस्सा है अंगूठे के ऊपर से लेके आना है, ये हमारी छोटी उंगली चीची उंगली के बीच में दबा लेना है ऐसे, ये दबाया। और जो ये वाला रस्सा है बड़े वाला रस्सा, ये बड़े वाला, ये छोटे वाले को नहीं छेड़ना अभी आपने, बाद में छेड़ना इसको। फिर ये बड़े वाला रस्सा अंगूठा उंगली के बीच में ऐसे करके इधर की तरफ ले आना है, ये देखो आगे की तरफ कर दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या करना है उसके बाद, जो हमने छोटा निकाला था एक बिलान से ज़्यादा, अब इसको क्या करना है, गुट्ठे को ढीला करना है, गुट्ठे वाले रस्से को ढीला किया और इसके बीच में से निकाल देना है। आप ऐसे बनाओगे तो एक बारी में ही आपकी जो मोरी है बहुत ही अच्छी बनेगी, और गांठ में आपको कभी भी जिंदगी में आप कभी गलत गांठ नहीं लगा सकते, और एक बारी में आप मोरी बनानी सीख जाओगे। रात को जैसे पशु कोई आपका तड़वा लेता है संगल वगैरह रस्सा वगैरह, तो आप द्वार से बना के ही उसी टाइम डाल सकते हो। अब ये देख सकते हो ये गांठ बहुत ही अच्छी बन चुकी है। अब क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है इसमें, ज़्यादा कोई औखा काम नहीं है। फिर क्या करना है, आपने इसको उल्टा करना है ऐसे, उल्टा करके ये देख सकते हो जो हमारा गांठ वाला है ये आ गया अब राइट साइड में, हाथ में राइट साइड की तरफ, और ये हमने आगे की तरफ कर लिया है, और ये हमारा जो सारा बाकी बचा भोरकली वाला हिस्सा हमने लेफ्ट साइड की तरफ कर लिया। फिर क्या करना है, आपने जो ये पाइप है इधर की तरफ खींच लेना है। अब इसको मापने की लोड़ नहीं, क्यों हमने जितना पाइप रखा है वहाँ पे अब पकड़ लेना। आपने क्या करना है, अब यहाँ से पकड़ा ये, अब मेरा जो है राइट साइड का हाथ है, अब मैंने जो अगली जो काम कर रहा हूँ मैं राइट साइड के हाथ में कर रहा हूँ। अब ये देख सकते हो मैंने ये गांठ सीधी है, उल्टी करके ये राइट साइड के हाथ में कर लिया, जो गांठ वाला हिस्सा है ये आगे कर लिया, ये उल्टी गांठ है, ठीक है। और ये ऐसे करके ऐसे पकड़ लेना। अब राइट साइड के हाथ में पकड़ा, ये भोरकली वाला लेफ्ट साइड के हाथ में आ गया हमारे। अब क्या करना है आपने, अब इसमें से रस्सा निकालना है। रस्सा कितना निकालना है, जितना हमने पहले निकाला था। इसको ऐसे नाप लेना है, ये देखो ऐसे ऐसे निकाला, और इसको आप बड़ा छोटा जिस हिसाब से रखना चाहते हो, जितना हमने ये रखा था इतना रख सकते हो। ऐसे करके ऐसे नीचे की तरफ छोड़ देना आपने, ये बड़े वाला आगे की तरफ। अब बड़ा हमने आगे की तरफ निकालना है, छोटा जो नीचे वाला है भोरकली वाला है नीचे छोड़ देना है, ठीक है। ऐसे करके देख, तो ये जैसे पहले हमने शेप बनाई थी वैसे ही। फिर क्या करना है हमने, अब ये उठा के इसको ऐसे जो छोटी उंगली चीची उंगली है उसके बीच में से निकाल लेना पाइप वाले को। और फिर उसके बाद क्या करना है, जो भोरकली वाला है ये उंगली और अंगूठे के बीच में से इधर लेके आना है, और जो बड़े वाला रस्सा है जो हमने निकाला था जो सिंगों के ऊपर आएगा सिंगों वाला रस्सा, अब इसको यहाँ से ढीला करना है अंगूठे को, और इसमें से निकाल देना है आपने, इसको ढीला करके आराम से निकाल देना है, ऐसे करके खींच लेना है इसको, और इसकी एडजस्टमेंट भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये देख सकते हो ऐसे कर सकते हो, ये जो रस्सा है छोटा बड़ा तो जरूर हो जाएगा, पर इसमें आपको आप एडजस्टमेंट बाद में कर सकते हो। अब ये देख सकते हो गांठ जो लग के हमारी तैयार हो चुकी है, दोनों गांठे देख सकते हो बिल्कुल सीधी गांठे हैं, ये दोनों गांठे सीधी हो गई है। अब आप सोच रहे होगे ये भोरकली कैसे डालेगी, भोरकली डालने का तरीका बताऊंगा। ये देखो ये आपके जो पशु के जो ऊपर गांठ लगेगी सिंगों के ऊपर वो है, और ये जो नाक के ऊपर आएगा ऐसे करके मुड़ के, और ये जो आंखें हैं उसके साथ में आएगा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है। अब इसका मैं बताता हूँ आपने क्या करना है, दोनों जैसे अब मैंने अपनी तरफ खींचे हैं देख सकते हो, ये मैंने अपनी तरफ कर लिए हैं दोनों, और गांठे सीधी है बिल्कुल आगे पीछे कर लिया है। अब ये देख सकते हो, तो आपने ऐसे रखा, ऐसे रखोगे आप भी, ठीक है। और ये गांठे बिल्कुल सीधी, ये पीछे की तरफ या आगे तरफ। अब अपने क्या कुछ क्या करना है, सबसे इजी तरीका है जो इसको इकट्ठा करने का तरीका। अब ऐसे करना हमने क्या करना है, जो ये वाला रस्सा है इसको खोल लेना है यहाँ से, यही आपका मेन स्टेप है, ये ध्यान से देखना। इसको खोला, ये खोल के ये दोनों रस्से हमने खोल लिए। अब इसको क्या करना है, यहाँ से ढीला करना है। ढीला करने से ध्यान रखना है कि आपने जो रस्सा जैसे आप निकालोगे वैसे आपने डालना भी है, ध्यान से इसको गांठ को जरूर देखना। अब इसमें से आपने देखना है रस्सा जो घूम के इधर से निकल के जाता हो, अब मैं बताता हूँ कैसे घूम के जाएगा। जैसे अब ये रस्सा है ये लेफ्ट वाला है हो गया समझ लो, ये दो रस्से लेफ्ट में है ये राइट में। अब आपने क्या करना है, राइट वाला निकाल लेना है यहाँ से, राइट साइड का जो राइट हाथ की तरफ है वो निकालना है आपने, ये सज्जे हाथ की तरफ। अब इसको यहाँ से निकाल लेना गांठ में से, जैसे निकालोगे वैसे डालना भी, ये ध्यान रखना, ये मत सोचना भाई नहीं डालना नहीं। हमने ऐसे निकाला और यहाँ से निकाला ऐसे करके समझ लो, यहाँ से हमने एक तरह से निकाल दिया यहाँ से, ठीक
ठीक है, यहाँ से निकाला। अब इसको ना हमने सीधा कर लेना बोरकली को पहले, तो सबसे पहले हमने ऐसे सीधा किया बोरकली को, ये सीधी करी, और फिर क्या करना है हमने यहाँ से इसमें बोरकली में ऐसे डाल देना वापस, ऐसे डाला। और इसको लेंथ को देख सकते हो आप, बराबर रखना है इनको, ये और ये बराबर होनी चाहिए। फिर उससे बाद क्या करना है, जैसे हमने निकाला था वैसे ही जो काम किया था हमने वैसे डाल देना है इसमें से, ये देख सकते हो यहाँ से डाल दिया, ठीक है। फिर क्या करना है आपने, वैसे ही सेम करना है जैसे हमने निकाला था वैसे, इसको फिर वापस ऐसे टाइट कर देना है ऐसे करके, और यहाँ से लेके आना है इसको ऐसे, यहाँ से ऐसे और ऐसे। आप ध्यान रखना जैसे आपने खोला है वैसे ही, वीडियो को भले एक दो बार देख लेना फिर आप सीख जाओगे इसमें से, और आपकी गांठ कभी भी गलत नहीं लगेगी ये। अब ऐसे करना है आपने सीधा यहाँ से इसको दोनों बराबर करना है, फिर गांठ लगा देनी इसमें वापस। वीडियो आपको एक बार देख लोगे तो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार देखनी है आपने वीडियो। क्या करना है फिर आपने इसको देखना है, इसकी जो गांठें हैं बिल्कुल सीधी आनी चाहिए आपकी, और इसको ऐसे करके यहाँ से टाइट कर देना है। ये देखो क्या क्या आपने कुछ नहीं किया है, ये जैसे गांठें थी वैसे लग चुकी है, ये देख सकते हो ये गांठें वैसे लग गई है, ये देखो ये सेम लग चुकी है, और ऐसे आपकी मुहरी बन के तैयार हो जाएगी। ये जो भैंसों के सिंगों के ऊपर आएगी ऐसे बंध के, और ये नाक के ऊपर आएगी, और ये भोरकली नीचे या जो हमारे पशु के गर्दन के जो यहाँ पे आती है इस एरिया में इस जगह पे ये वाला हिस्सा, और जो यहाँ से पशु निकालता है ये वाली चीज़ें निकालता है। तो इसको टाइट करने का तरीका बता देता हूँ आपको। पहले तो आप मूरी देख लो, इतनी अच्छी मूरी बन के तैयार है और बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ से बराबर, ये देख सकते हो यहाँ से देख सकते हो ये बराबर है, ये हिस्सा बराबर है, ये हिस्सा बराबर है, ये पूरा है। और ये अब टाइट करने का तरीका बता सकता हूँ और लूज करने का भी बता सकता हूँ आप, जैसे आपके पास इधर से बड़ा हो जाए, और ये भी एक बड़ा है एक छोटा है, इसका तरीका बता देता हूँ आपको निकालने का। जैसे सपोज करो यहाँ से आपने करना है, तो आप यहाँ से मान लो टाइट करना है या ढीला करना है, वो बताता हूँ तरीका क्या करना है आपने। यहाँ से रस्सा ढीला करना है, आपको सारी चीज़ें पता लगनी चाहिए एक वीडियो में। ऐसे ढीला किया, मान लो हमने इसको अब ढीला करना है, हमने इस चीज़ को ढीला करना है, हमारे पशु के अभी टाइट है नीचे से गर्दन पे, तो हमने इसको क्या करना है यहाँ से पकड़ना है, इसको ढीला किया और एक यहाँ से रस्सा पकड़ के ऐसे करके यहाँ से, ये देख सकते हो इधर से ढीला हो रहा है, और इसको ऐसे करके यहाँ के करके ऐसे करके इसको कर देना है, ये देख सकते हो। अब इसकी लेंथ बड़ी होगी, यहाँ से कम हो गई है, आपको एडजस्टमेंट करने सिखा रहा हूँ, ये बड़ी है और ये छोटी है। अब इसको वापस ऐसे ठीक करने के लिए इसको ऐसे खींचना है और यहाँ से लाना है, और ये आप इधर कर देना है, ये देख सकते हो, फिर आपका ऐसा होगा। और सपोज करो आप आपका आपको ये भी होगा कि आपने एक तरफ से करके दिखा दिया, एक तरफ से नहीं किया, तो ये ऐसे कैसे करेंगे, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मान लो यहाँ से बड़ी है तो इसको भी ऐसे ढीला करना है आपने, ये नहीं अब इसमें से नहीं छेड़ना आपने, यहाँ से छेड़ना, जैसे ये बड़ी लेंथ है कोई, इसको ढीला करने का टाइट करने का तरीका बता देता हूँ। इस वाले को जहाँ से गांठ लगी हुई है इसको भी ऐसे करना है, ये देखना रस्सा घूम के कहाँ पे जा रहा है हमारा, ये रस्सा हमारा घूम के जा रहा है, ये जा रहा है इधर, इधर नहीं इधर जा रहा है। अब हमने क्या करना है, ये रस्सा जो लेफ्ट साइड का है इसको ढीला करना है यहाँ से ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके ये रस्सा ढीला कर देना है, और इसको यहाँ से एडजस्ट करके ऐसे कर देना है, ये हो जाएगा। और इसको बड़ा करने के लिए, ये छोटा करने के लिए ऐसे सेम करके ये ऐसे कर सकते हो। और जी आपका ऐसे आपको दिक्कत आ रही है, कोई रस्सा यहाँ से बड़ा है, ये बड़ा वाला रस्सा है, और एडजस्ट करके इधर को वापस करना है, तो उसका भी तरीका बताता हूँ। जैसे ये रस्सा है ये वाला, ये खींचना है आपने ऐसे करके, यहाँ से टाइट हुआ, और ये देखो ये ऐसे टाइट हो गया। अब ये रस्सा यहाँ से टाइट हो गया, ये इधर आएगा, ये रस्सा इधर आ जाएगा हमारा, इधर इस साइड में। अब इस साइड में ले आने के लिए इसको यहाँ से देखना कौन सा रस्सा हमारा, ये वाला रस्सा, ये देखो खींच के यहाँ से, जब यहाँ से खींच रहा हूँ ये इधर आ रहा है, ये इधर आ गया। अब इसको यहाँ से बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, मान लो मैंने गांठ लगा के दिखा दिया आपको यहाँ से ऐसे, ये बड़ा छोटा हो गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ से ढीला करना है, ढीला करके अब तरीका बता देता हूँ आपको। यहाँ से ढीला किया, ये ऐसे आया, यहाँ से घूम के ये चला गया इधर,
ये घूम के आया इधर, और ये चला गया हमारा, ये हमारा हो गया ऐसे का, ये चला गया इधर। इधर से फिर हमने इधर को ढीला करना है और ऐसे करना है, ठीक है। और ये हमारे इधर खींच लेना है इस वाले रस्से को, ये देखो, ये ऐसे करके हर तरह से आप इसको वीडियो को इसको जो मोहरी है भोकली वाली मोहरी, इसको एडजस्ट कर सकते हो, छोटी भी कर सकते हो बड़ी भी कर सकते हो। सबसे ज़्यादा तो अच्छी चीज़ें आपकी गांठ जो है, गांठे दोनों सीधी होनी चाहिए, और ऐसी मोहरी बना सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जिनको नहीं आती उनको जरूर सिखा देना। धन्यवाद।